सो फाइनली दोस्तों यार गदर 2 से जुड़ी दो ऐसी खबर लेकर आया हूं ना जिससे आपका दिन बन जाएगा। भाई क्या हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है गदर 2 की प्रमोशंस, जो लोग आज से दो हफ्ते पहले कह रहे थे गदर 2 ठंडी है, फ्लॉप मूवी है, फिल्म मेकर कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन स्ट्रेटजी दिख नहीं रही है, फिल्म की प्रमोशन नहीं हो रही है, भाई साहब गदर 2 की गदर में ना OMG 2 छुप गया है। जी हां दोस्तों, जैसे बादलों के पीछे चांद छुप जाता है, भाई गदर 2 के पीछे OMG 2 छुप चुका है। भाई दुनिया गदर 2 को इतना प्यार दे रही है, चाहे बुक माई शो हो, चाहे IMDb हो, चाहे दोस्तों संदीपाजी हमारे राजस्थान गए हो, जयपुर में, जैसलमेर में भी, तनोट माता मंदिर, तमाम जगहों पे दोस्तों जिस हिसाब से संदीपाजी की फिल्म गदर 2 को इतना प्यार मिल रहा है, भाई अमेजिंग रिस्पॉन्स देखकर ना सीरियसली गूज बम्स आ रहे हैं। वही दोस्तों मनोज देसाई ने भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, सारे बड़े बड़े खुलासे करूंगा। और हाँ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे नाइट आपको पता है 8 बजे मैं लाइव आता हूं हर वीक, आज हम लाइव में बात करेंगे गदर 2 से जुड़ी सारे सवालों जवाबों के ऊपर डिस्कशन होगा, और दोस्तों लाइव 8 बजे जरूर आना। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मुंबई के जाने माने सिंगल थिएटर के ओनर मनोज देसाई, जी हां दोस्तों पठान के टाइम पे मनोज देसाई का जो ये थिएटर है गेटी गैलेक्सी, भाई यहां पर पठान के टाइम पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कहा जाता है, मनोज देसाई ने कहा है कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। अब तो दोस्तों आपको बता दूं कि मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि गदर 2 का जो 11 तारीख को दोस्तों ओपनिंग होगा इस फिल्म का, भाई साहब 4000 लोगों की भीड़ जमा होगी, 2000 अंदर 2000 बाहर, यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि इनके मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी बड़े बड़े दोस्तों सिंगल थिएटर्स हैं, और मनोज देसाई मुंबई के बहुत जाने माने पॉपुलर थिएटर ओनर है, भाई इनके इतने शो चलते हैं ना। पठान के टाइम पे भी दोस्तों इन्होंने काफी ज्यादा स्क्रीन रखे थे, काउंट स्क्रीन को बढ़ा दिया था और शोज काफी चले थे, ऐसा इन्होंने कहा है। साथ ही साथ गदर 2 के लिए भी ये कहने की गदर 2 काफी अच्छी फिल्म होने जा रही है और ये सबके रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हालांकि उनकी बात अनिल शर्मा और फिल्म मेकर से होती है, फिल्म प्रोड्यूसर से होती है, और जिस हिसाब से दोस्तों सिंगल थिएटर के अंदर 11 तारीख को 4000 लोगों का क्राउड है गदर 2 को देखने के लिए उमड़ेगा, भाई साहब आप सोच सकते हो कि बॉक्स ऑफिस यहां से यहां जाने वाला है। भाई गदर फिल्म का पहले दिन का ओपनिंग जो कि एक नॉन हॉलीडे का कलेक्शन होने जा रहा है, भाई सेलिब्रेशन है दोस्तों। और ये नॉन हॉलीडे पे अगर ऐसे रिस्पॉन्स मिलेंगे मोर देन 40 करोड़ 50 करोड़ भी जा सकता है यार, कोई सोचने वाली बात नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है यार, ये गदर है भाई, यहां पे ना क्या बोलते हैं कैलकुलेशन नहीं चलता है भाई, ये गदर गदर मचा के चली भी जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो भाई साहब कहा जा रहा है कि 11 अगस्त को गेटी गैलेक्सी में मनोज देसाई ने पूरी तैयारी कर ली है, और साथ ही साथ 12 अगस्त को शाम को 6 बजे गेटी गैलेक्सी में सन्नी पाजी उनकी टीम आ रही है इस फिल्म की प्रमोशन के लिए, और जितने भी ऑडियंस होगी दोस्तों उनसे मिलने के लिए, ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, और थिएटर में बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा 12 अगस्त को शाम को 6 बजे गदर 2 के फिल्म के बीचों बीच सन्नी पाजी और हो सकता है कि सकीना भी आए। तो दोस्तों कुल मिला के सन्नी पाजी 11 से पहले भी और 11 के बाद भी दोस्तों प्रमोशंस का सिलसिला चलते रहेगा और गदर मचा रही है दोस्तों और मचाएगी भी। वही दोस्तों एक और गुड न्यूज आ रही है कि आज रात को 9 बजे आज तक पर सुधीर चौधरी का शो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर सन्नी पाजी पहन के आएंगे गॉगल और भाई साहब नए अवतार में। जी हां दोस्तों सुधीर चौधरी के साथ खास मुलाकात होगी और खास बातें होंगी कि गदर फिल्म पे चर्चाएं होंगी। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो आज 9 बजे, जी हां दोस्तों मेरी लाइव खत्म होने के बाद 9 बजे सुधीर चौधरी का शो है, जाना और आप सन्नी पाजी की सारी बातें, सुधीर चौधरी की बातें सुन सकते हो और गदर फिल्म के ऊपर क्या ओपिनियन है पब्लिक का, इनफैक्ट फिल्म मेकर का, सन्नी पाजी का, दोस्तों वो भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन जो कि सुधीर चौधरी ने पूछा है, मैं आपको बता दूं कि सुधीर चौधरी ने ये पूछा कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। जी दोस्तों ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट पूछ ली सुधीर चौधरी ने, और ये क्योंकि ये फिल्म गदर 2 हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान पर है और कहीं ना कहीं दोस्तों असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। भाई सुधीर चौधरी के ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जाने पर सन्नी पाजी ने डिफेंड करते हुए बोला है कि हां ये बात आपकी सही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन वो सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो किसी भी मुल्क को कहते हैं ना किसी भी मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं, वो मुल्क के भले के लिए नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो लोग बिजनेस चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, यहां से वहां और यहां से वहां कर रहे हैं, इसी वजह से कुछ गुटों की वजह से दोस्तों मुल्क जो है बदनाम है,
है और जनता की इसमें कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े लोग हो, असामाजिक तत्व के लोग हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। तो दोस्तों संदीप पाजी ने कुछ इस प्रकार अपना बयान दिया है, जो कि एक डिफेंड करते हुए बयान था, क्योंकि दोस्तों गदर टू भी आ रही है, तो ऐसे मुद्दों पर आपको पता है दोस्तों कि सेंसिटिव टॉपिक है ये, ठीक है। तो ऐसे मुद्दों पर पाजी को डिफेंड करना ऑब्वियसली आता है। तो दोस्तों क्या लगता है, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आप एक गदर टू के लिए? अगर आप मुंबई में हो तो दोस्तों गेटी गैलेक्सी के जरूर आप अपने अपडेट देते रहना, और अगर आपने टिकट बुक नहीं किया तो यार गेटी गैलेक्सी वालों टिकट बुक कर लो। अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई, गेटी गैलेक्सी में मचेगा गदर। पठान का रिस्पांस देखा, जैसा कि मनोज देसाई ने कहा, अब गदर का रिस्पांस होगा और गदर गदर मचाएगी सिंगल थिएटर गेटी गैलेक्सी में, मराठा मंडी में और दोस्तों तमाम मुंबई के अलग अलग जितने भी सिनेमा घर है। दोस्तों ये फिल्म गदर जो है ना, आपको बता दूं गदर सुपर डुपर हिट हुई थी बिकॉज ऑफ सिंगल थिएटर, और ये फिल्म बनी ही सिंगल थिएटर के लिए, और कोई भी फिल्म तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक इस सिंगल थिएटर में दोस्तों उसको कामयाबी ना मिल सके। गदर टू फिल्म सिंगल थिएटर के अंदर ना आग लगा देगी, और फर्स्ट डे की ओपनिंग दोस्तों कुछ भी हो सकता है यार। अब तो 30 करोड़ दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स थे आज से कुछ टाइम पहले भाई केआरके को छोड़ के मैक्सिमम जो क्रिटिक्स थे ना गदर टू को पता है क्या बोल रहे थे, हेट कर रहे थे गदर टू को, बोल रहे थे यार ये फिल्म चलेगी नहीं, क्रिंज है, वो जमाना गया। कुछ लोग ऐसे हैं आपको पता है वो जमाना चला गया, नहीं देखेंगी जनता इस फिल्म को, ऐसे तमाम तरीके के विवादों में गदर टू आ रही थी। लेकिन भाई जिस हिसाब से इसका प्यार आ रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इसके नारों से गूंजता हुआ भारत तमाम जगह जहां संदीप पाजी जा रहे वहां भी ये डायलॉग फेमस हो रहा है। भाई ये डायलॉग है ही नहीं, पहली बात हिंदुस्तान जिंदाबाद ये डायलॉग नहीं भाई, ये तो आत्मा है भाई, जान है हिंदुस्तान की, और बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चा हर टाइम ये डायलॉग बोलता है यार। तो ये डायलॉग नहीं है, ये मंत्र है भाई, ये मंत्र है, ठीक है। तो दोस्तों क्या लगता है गदर 2 वर्सेस ओएमजी 2, क्या लगता है गदर 2 क्या बाजी मार पाएगी? साथ ही साथ कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गदर 2 को देखने के लिए, लाइक कमेंट करके बताओ। और फर्स्ट डे का कलेक्शन दोस्तों क्या होगा, 30 40 50 या 60 करोड़ भी जा सकता है, कमेंट करके बताओ।